हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के स्टे फाइव वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप घर बैठे बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल चोकर बना सकते हैं। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जीन्स का चोकर बनाया है, जिसके मैंने लिया है पुराने जीन्स से थोड़ा सा मटेरियल। उसके बाद मैंने उस मटेरियल में से 3 स्ट्रिप्स काट लिया है करीब 1 इंच के। इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से मैं पहले फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद आपको इसको आयरन से अच्छे तरीके से चिपका लेना होगा। जब आयरन से चिपक जाए तो ये इसी तरीके से दिखेगी। उसके बाद आप इसके फर्स्ट एंड को फेविकॉल के से चिपका लेना। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फेविकॉल का इस्तेमाल किया है। जब फेविकॉल से आप ये तीनों स्ट्रिप चिपका लें तो 1 घंटे तक इसको रहने दें। 1 घंटे के बाद आप इसके तीनों एंड्स को इस तरीके से लॉक कर दीजिए। मैं यहाँ पे सुई धागे के इस्तेमाल करके इसको लॉक कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं, पर सुई धागे से इस्तेमाल करने से काफी अच्छे तरीके से लॉक रहेगा। जब इसे लॉक हो जाए तो आपको इस तीनों स्ट्रिप्स को लेकर एक चोटी के शेप में डालना है, जैसे कि हम चोटी बनाते हैं। मैंने क्लियरली आपको इस वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से आपको चोटी बांधनी है। इसी तरीके से पूरी स्ट्रिप्स में आपको चोटी बांधनी है। जब चोटी बन जाए तो आखिरी बचे हुए एंड को भी आपको सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे भी मैंने नीडल और थ्रेड के हिसाब से ही सिक्योर कर लिया है। जब दोनों एंड सिक्योर हो जाए तो हमें इसके धागे को छुपाने के लिए और उसको क्लीन लुक देने के लिए उसी जीन्स के बचे हुए कपड़े के इस्तेमाल करते हुए इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डायमंड का इस्तेमाल किया छोटे छोटे, जिसको मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक बड़ा स्टोन भी लिया है ताकि ये और अच्छा अट्रैक्टिव लुक आए। उसके बाद मैं इसको पीछे से सिक्योर करने के लिए मैं चुटपुटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से मैं चुटपुटी दोनों एंड में लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। और मैं इसको और भी अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मेरे पास ये टैसल्स की लेस थी, मैं इसे भी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि और भी अच्छा लगे। देखो फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने और भी 2 चोकर्स बनाए हैं जो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाए हैं। ये मेरे पास एक लेस बची हुई थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डायमंड्स की लेस बची है तो आपको बस एक पीछे से चेन ऐड करना है, या फिर आप वापस से चुटपुटी भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे पास ये चेन और हुक था, मैंने वो भी इस तरीके से चेन को लेस पे इस तरीके से पीछे से लॉक करके सुई और धागे की मदद से और आगे के हुक को आपको उसी किसी लेस के हुक में डालना है। ये देखिए बस इसी, ये बहुत ही सिंपल चोकर है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपके गले में। फिर मेरे पास और भी ये बची हुई लेस थी, इसके साथ मेरे पास ये स्टोन्स था। अगर आपके पास स्टोन नहीं भी है तो आप डायरेक्टली इस लेस को भी अपने गले में बांध सकते हैं एज ए चोकर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।